इतनी गलियारों में चर्चा है कि आप पटौदी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, अगर माता रानी की मेहर होगी और पार्टी चाहेगी तो, और हमारे आदरणीय राजेंद्र जीत जी भी और हमारे सीएम साहब हमें मुझे आदेश करेंगे तो मैं जरूर करूँगी। मैं तो यही करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, हमेशा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद रखना, आगे मेरी ऊंचाइयों में मेरे को खूब सहयोग। हमारे आदरणीय राजेंद्र जी इतने मन के साफ हैं, इतने मन के वो हैं कि उन्होंने कभी भी अपने मन में किसी के लिए भी देश भावना नहीं रखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आज हम आए हैं गुरुग्राम की मेयर मधु आझा जी के पास हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप गुरुग्राम की पहली महिला मेयर बनी हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ और जो मेरे भारतीय जनता पार्टी से जो मुझे मेयर के लिए चुना, हमारे सीएम मनोहर खट्टर जी ने, हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने, जिनका दोनों का आशीर्वाद मिलके मैं मेयर बनी इस शहर की। और मैंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत किया और लोगों की सेवा की। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी जो थी कि मैंने लोगों की सेवा करनी है, जिस तरीके से मेरा परिवार करता आया है सेवा, उसी तरीके से मैंने पूरे इस 5 साल भी करी और पिछले जब मैं पार्षद रही हूँ 2 बार, तब भी मैंने पूरी सेवा करी। और जिन जिन पदों पे भी रही हूँ, चाहे वो मेरे विजिलेंस कमेटी की मेंबर रही हूँ, चाहे खाद्य विभाग की रही हूँ, चाहे बिजली बोर्ड की रही हूँ, जो जहाँ जहाँ सेवा मेरे से हो सकी है मैंने पूरी अपने 20 ईयर्स के कार्यकाल में मैंने की है। तो मैम, आपने अपने कार्यकाल में कितने विकास कार्य करे? मैंने गिनती तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मतलब हजारों करोड़ की फाइलें तो मेरे से साइन होके गई हैं, जो कि मैंने हर वार्ड में कम से कम नहीं तो 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक के काम करेंगे। ऐसा कोई विशेष कार्य जो आपको बताना चाहें आप? सबसे पहला तो मैं यही बताना चाहूँगी कि सबसे मेरे पहले जब मैं मेयर बनी, सबसे पहला एजेंडा मेरा रहा कि हम अपना ऑफिस बनाएं, जो कि रेंट टेबल पे चल रहा था, जो कि इतना हजारों का रेंट, लाखों का रेंट हर मंथली जाता है हमारा निगम से, तो वो लॉस मुझे दिखाई दिया। जो सबसे पहला एजेंडा मैंने यही रखा था और मेरा ऑफिस हमारा निगम का बनने भी जा रहा है, बन चुका है और आने वाले 2024 तक उसका इनॉग्रेशन भी होगा। आपके यहाँ जो विकास कार्यकाल रहा है उसकी विशेष उपलब्धियाँ क्या हैं, किसे मानती हैं अपनी विशेष उपलब्धियाँ? मैं अपनी पार्टी को मानती हूँ, अपने सीएम साहब को मानती हूँ और अपने आदरणीय राव इंद्रजीत जी को मानती हूँ, जिनके आशीर्वाद से और जिनके सहयोग से मेरे ये सारे कार्य पूरे हुए और शहर को मैं एक अच्छी सौगात दे सकी हूँ उनके साथ मिलके, चाहे वो अंडर पासिस हों, चाहे हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हों, चाहे किसी भी समाज की चौपालें हों, सड़कें हों, मतलब सभी कार्य मैंने बहुत बखूबी निभाए हैं, क्योंकि उन दोनों का आशीर्वाद सदा मेरे साथ बना रहा है। आपको क्या लगता है कि भाजपा आप पर दोबारा दांव खेलेगी? देखो जी, ये तो माता रानी जानती हैं, क्योंकि मेरे कार्यकाल में एक साफ छवि जो मैंने रखी है अपनी हमेशा से ही, क्योंकि मेरा 20 इयर्स का कार्यकाल है पॉलिटिक्स का, इस पूरे 20 इयर्स में मैंने कभी आज तक भी किसी का एक तो मन नहीं दुखाया और कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। और मेयर पद इस शहर का सबसे बड़ा पद है, जिस पे रह के भी मैंने बेदाग छवि से, जिस तरीके से मेरे को आदरणीय राजेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने बस मेरे को यही कहा कि मधु, कभी भी मुझे शिकायत का मौका मत देना जी, वो मैंने कभी नहीं किया, ना अपने भारतीय जनता पार्टी से, ना अपने सीएम साहब से और ना ही आदरणीय राजेंद्र जी से। मैम, नगर निगम में नौकरशाही, अफसरशाही और भ्रष्टाचारी को लेकर विपक्ष लगातार हावी रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, इस चीज़ के लिए मैंने सीएम साहब से भी काफ़ी बार इस चीज़ के लिए कहा कि हमें राजनेता नहीं चाहिए अधिकारी, हमें कार्य करने वाले चाहिए, तो काफ़ी बीच में सही भी हुआ और उस पर काफ़ी बातें भी हुई,
तो अब तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि इस समय मेरा कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, मगर फिर भी मैं शिकंजा बनाए रखती हूँ अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो कहीं का भी काम हो, किसी का भी काम हो, मेरे पास जो भी शिकायत लेके आ रहा है तो उसकी शिकायत का निवारण होता है। मैम, आपको राव इंद्रजीत जी का खास समर्थक माना जाता है, और जबकि वो CM साहब के अगेंस्ट खुले मंच पर कहते आए हैं, तो कभी इस वजह से आपको अपने कार्यकाल में किसी तरह की कोई परेशानी या किसी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ा हो, किसी फंड को लेकर के या कोई आपका विकास कार्य ऐसा हो जो रुका हो? नहीं जी, ये तो देखो लोगों के व्यू हैं, लोग अपना बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी इतने मन के साफ हैं, इतने मन के वो हैं कि उन्होंने कभी भी अपने मन में किसी के लिए भी देश भावना नहीं रखी, और वो पार्टी के प्रति बहुत ही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी और CM साहब ने भी मिलके हमेशा मेरा साथ दिया है, और हमारी प्रगति, हमारे गुड़गांव की प्रगति में इन दोनों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि CM साहब हमेशा इस चीज़ के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं कि कोई भी कार्य हमारा ना रुके। तो इसी तरीके से दोनों अपना गठजोड़ करके और बड़े अच्छे तरीके से पार्टी चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आप पटौदी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, अगर माता रानी की मेहर होगी और पार्टी चाहेगी तो, और हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी भी और हमारे CM साहब हमें मुझे आदेश करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। आप हमारे ज़रिए गुरुग्राम की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, हमेशा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद रखना, आगे मेरी ऊँचाइयों में मेरे को खूब सहयोग करना। धन्यवाद। तो ये तो थी मेयर मधु आज़ाद जी, जिन्होंने बेबाक अपनी बातें कही और हमारे साथ रूबरू हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।